अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, मेरा नाम एजाज अली सुमरो है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश ट्यूटर एजाज चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, स्पीकिंग, कंपोजिशन एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको आसान तरीके से बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक चीज़ का आप ख्याल करें, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब रीडिंग करना जानते हैं, जिसको स्पेलिंग आती है, रीडिंग करना जानते हैं, मगर उनको कन्फ्यूजन होती है, वो सेंटेंस नहीं बना पाते, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह ये होती है कि भाई, जो बातें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उनको आपने अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेनी। आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर आप इंग्लिश लैंग्वेज आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो टेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बेसिकली जो होते हैं वो 3 टेंसेस होते हैं। मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। तो ये 3 जो है वो मेन टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी चीज़ होती है वो इन्हीं में से निकलती है। कोई भी जमाना हो, या तो वो प्रेजेंट होगा, या पास्ट होगा, या फ्यूचर होगा। उसके बाद जो है इसकी ब्रांचेस होती हैं, वो 9 होती हैं। जैसे प्रेजेंट आपने समझ लिया तो उसके बाद आप समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, के जारी जब टेंस होता है तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ पर वो यूज करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट होता है, भाई परफेक्ट क्यों यूज करते हैं, किस जगह पर, किस जमाने में होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो टोटल जो मेन टेंसेस होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद इसकी ब्रांचेस होती हैं, जैसे प्रेजेंट, तो टोटल मिलाकर जो होते हैं वो 12 टेंसेस हो जाते हैं। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आपको इन 12 टेंसेस को अच्छे तरीके से आना चाहिए, उनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उनके हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर यूज कैसे करते हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम किस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों का आना आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, जब टेंसेस आपको आ जाएंगे, अच्छा इनसे पहले एक और चीज होती है, वो क्या होती है कि आपको पता हो कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, आपके पास अच्छी वोकैब होनी चाहिए। जी दोस्तों, अगर आपके पास वोकैब यहाँ नहीं होगी तो फिर भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वोकैब जो होती है वो आपकी हेल्प करती है टेंसेस के बाद के भाई किस जगह पर कौन सा लफ्ज बोलना है। तो वो वोकैब में आता है, लफ्जों का जखीरा होता है, वो आपका होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर जो है आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि किसी मौके पर आपको कौन सा लफ्ज बोलना है तो उसके लिए वोकैब बहुत जरूरी होती है। जब आपको वोकैब भी आ जाएगी, आपके पास ज्यादा वोकैब होगी, आपके पास टेंसेस होंगे अच्छे तरीके से आपको आते होंगे और आपको ये जो है पता होगा, तो उसके बाद क्या होता है भाई, मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, वुड होता है, ठीक है, और आस्ट होता है, ये भी आपको आने चाहिए। तो इससे जो है वो आपको अच्छी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और आप जो है वो कैपेबल हो जाएंगे अच्छी स्पीकिंग बोलने के। उसके बाद क्या होता है, जब ये चीजें आपको आ जाएंगी तो फिर जो है आप कैपेबल हो जाएंगे शॉर्ट पैराग्राफ आप जो है वो खुद लिख पाएंगे। अगर आपको शॉर्ट पैराग्राफ आ गए तो उसके बाद लॉन्ग पैराग्राफ आएंगे, फिर जो है लॉन्ग ऐसे होते हैं। और अगर ये चीजें आपने कर ली केवल, अच्छा इसके बाद जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है भाई। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको क्यों नहीं समझा रहा भाई, पहले आपको वो करना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है वो डिफिकल्ट वर्क होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना वो डिफिकल्ट होते हैं। अगर शुरू में ही आपको कोई टीचर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने लग जाएगा तो आपका दिल नहीं लगेगा, क्योंकि भाई इसमें डिफिकल्टी होती है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन होता है, फिर उसके काइंड्स होते हैं, फिर उसको उसका यूजेज होता है, यूज होता है, उसके बाद जो होता है प्रीपोजिशन होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये होते हैं। तो अगर आपको शुरू से ये सिखाए जाएंगे तो आप जो है वो दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हम ऐसा काम शुरू कर रहे हैं कि ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। जब तक आपकी दिलचस्पी बरकरार नहीं होगी तो भाई कैसे आप जो है वो इंग्लिश सीखोगे। तो सबसे पहले आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। तो अगर आप टेंसेस आपको छोटे मोटे आ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो बेहतर तरीका यही होता है कि भाई ये सारी जो चीजें हैं तो आप कवर कर ले। अच्छा, उसके बाद जो होते हैं वो एक्टिव पैसिव होता है। उसके बाद नरेशन आता है भाई, आपको ये भी आने चाहिए। एक्टिव पैसिव नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, टेंसेस आपको आने चाहिए। उसके बाद कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। आपको छोटे मोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, आपके पास वोकैब होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस जमान में, किस टेंस में हम कौन सा जो मतलब है, क्या हमें इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी।